तो ये वो पॉइंट जहाँ से पूरा लेक का व्यू अच्छे से नजर आता है। तो तीसरे की तैयारी। आज के टाइम पे करंटली तो आई वुड से ठीक है, यहाँ पे रिसेशन डेफिनेटली चल रहा है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जॉब्स मिलनी थोड़ी टफ है। आज है 15 जुलाई और आज है दिन सैटरडे। आज हमें आए हुए पूरा एक महीना हो गया कनाडा में। 2 दिन के बाद हमारी वापसी, मंडे की हमारी वापसी और मंडे का दिन लगने वाला पैकिंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। मैं करता हूँ आज के दिन की शुरुआत। आज आने वाले हर्षित के 2 फ्रेंड, एक फ्रेंड से हम पहले मिल चुके हैं, दूसरा फ्रेंड भी आज उसके साथ, दोनों इकट्ठे होकर आएंगे। हमने उनके लिए लंच की तैयारी कर ली है, कमल ने राजमा और चावल बना लिए, हम कर रहे हैं वेट। उससे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। आज का वेदर बहुत ही बढ़िया, हल्की हल्की बारिश हो रही है जो कि टॉलरेबल है, बिना अम्ब्रेला के भी आप निकल सकते हैं। ग्रीनरी और ज्यादा खूबसूरत लग रही है आज। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं और हर्षित जा रहे हैं, ग्रोसरी लेनी थी। वॉलमार्ट पहुंच चुके हैं। टमाटर का रेट कल किसी भाई ने पूछा था कि क्या रेट है टमाटर का, तो टमाटर का रेट 1.97 पर LB। LB का मतलब होता है हाफ kg। दोस्तों आ चुके हैं हर्षित के फ्रेंड, ये हेमंत, ये तो इनसे आप मिल चुके हो, और ये हैं जसकरण। जसकरण, यस। तो जसकरण आप बताइए कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि हेमंत से 2-3 दिन पहले मिले थे हम। क्वेरी थी मेरे एक व्यूअर्स की, उसके 2 डॉटर हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भेजें या 12th का भेजें, तो आपसे डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से टोटली डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर तो कोई बच्चा फॉर एग्जांपल बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको थोड़ा दुनियादारी का पता है कि कैसे चीजें होती है, वो अगर यहाँ पे 12th के बाद आते हैं तो आई फील कि उनके लिए बेटर रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, उनको नया एक्सपोजर मिलेगा, एंड प्लस जितना जल्दी यहाँ पे बंदा आता है सेटल होना, आई फील उतना जल्दी थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी एज पे आओगे, जल्दी सेटल हो जाओगे, जल्दी पीआर हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये भी चीज है कि लेट्स से कि कोई बच्चा है जो जैसे कभी घर से बाहर नहीं रहा, शुरू से लाइक फर्स्ट से 12th तक पूरे टाइम पेरेंट्स के साथ रहा है, एंड यू नो उतना एक्सपोजर नहीं है बाहर की दुनिया का, तो इन दैट केस आई वुड फील कि ठीक है उनके लिए शायद थोड़ा बेटर होगा कि पहले इंडिया में कहीं कॉलेज कर ले, थोड़ा अकेले हॉस्टल में रह के देखे, पीजी में रह के देखे, थोड़ी चीजें देखे, फिर वो यहाँ पे आए, तो उनके लिए तब वो ट्रांजिशन इजियर होगा। बिकॉज कई बार मैंने ऐसे केसेस देख रखे हैं कि कुछ बच्चे जो है 12th के बाद बिल्कुल यहाँ पे आ जाते हैं, पहले कभी पेरेंट्स से अलग रहे नहीं होते, उनको दिन आके होमसिक हो जाते हैं, होमसिक हो जाते हैं, दे गेट डिप्रेस्ड, यू नो, ये सारी चीजें। तो वही आई वुड से कि ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा रिलेटिवली कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली आफ्टर 12th भेज दो, नहीं तो अपना इंडिया से कुछ बीटेक करके या बीएससी जो भी करना है बैचलर्स करके तब भी भेज दें, तो थोड़ा मोर मैच्योर हो जाता है। तो क्या ये मतलब ऐसा भी है कि यहाँ पे जैसे अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है यहाँ पे, तो आना चाहिए या अभी वेट करें? लोग वैसे वहाँ से, हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मली वहाँ होते हैं, वहाँ सोचते हैं चलो यार कनाडा चलते हैं, वहाँ बच्चों को भेजते हैं, वहाँ थोड़ा फ्यूचर भी अच्छा है। अब आज के टाइम में देखते हुए क्या मतलब सजेस्ट करोगे आप? देखो आज के टाइम पे करंटली तो आई वुड से ठीक है, यहाँ पे रिसेशन डेफिनेटली चल रहा है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जॉब्स मिलनी थोड़ी टफ है। बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि बिल्कुल जॉब्स है नहीं, मतलब लोगों को जॉब भले थोड़ा डिले में मिल रही है, थोड़ी देरी से मिल रही है, मंदिरों में थोड़ा एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा कौन सा स्किल सेट सीख के आओ, बहुत ज्यादा है, जैसे आईटी काफी कॉमन हो गया, पर आईटी में भी काफी सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा बंदे को रिसर्च भी करना पड़ेगा कि मैं किस चीज में घुसना चाहती हूँ, उसका कितना स्कोप यहाँ पे है, और उसकी जॉब मार्केट ये भी आई फील कि ये तो करना चाहिए डेफिनेटली, बट जस्ट बेस्ड ऑन दैट भी नहीं करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि खुद में कौन से स्किल्स है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज यहाँ पे जो हाई डिमांड स्किल्स है वो लेके आ तो जाते हैं, उनसे हो नहीं पाती है, बिकॉज उनके खुद के स्किल से मैच नहीं करती। तो डेफिनेटली मतलब आज के अगर रिसेशन के टाइम पे देखा जाए तो जॉब मार्केट सैचुरेटेड हो ही गई है काफी सारी चीजों से, तो अपने आप का मार्क बनाना पड़ेगा, मार्क तभी बनेगा अगर किसी चीज में एक्सेप्शनल हो, तो आपको खुद की नॉलेज होनी चाहिए डेफिनेटली, और या तो बच्चा कोई वहां से स्किल लेके आए। मैंने जो यहाँ पे फील किया चीज कि अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हो, चांसेस हैं यहाँ, चांसेस हैं डेफिनेटली। हाँ, कोई भी मतलब स्किल्स हो आपके, ठीक है, ये है कि स्किल्स यहाँ पे वेस्ट नहीं जाती, इंडिया में क्या है चीज, आप स्किल्स भी ले लो भले काफी कुछ करो, जहां तक मुझे मतलब इंडिया की मार्केट समझ आई है, जॉब मार्केट की, भले आप कितने स्किल्ड हो कि हो सकता है देयर इज अ चांस कि आपको वहां पे जॉब नहीं मिले, बिकॉज वहां पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टिल कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे ये चीज एक मैंने नोटिस करी कि ठीक है अगर आप में स्किल्स हैं,
आज नहीं तो कल आपको जॉब कोई ना कोई अच्छी मिल ही जाएगी, मतलब कोई ना कोई एम्प्लॉयर को है बहुत मोर इम्पोर्टेंट जो आपको रिकॉग्नाइज करेगा कनेक्शन, अगर आपके जो स्किल सेट में है उनसे रिलेटेड कंपनी के या फिर लोगों में आप अगर कनेक्शन बनाओ तो आपको इजी जॉब मिल जाती है। तो हर्षित अब मैं तेरे से पूछता हूँ, बच्चों को 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन करके आना चाहिए ये बता बस। मेरे हिसाब से तो ग्रेजुएशन के बाद करके आना चाहिए आपको। अच्छा, APR हम फाइल जब करते हैं तो उस टाइम पे ये चीज काउंट होती है ना? मैं ये होता है PR में ना, आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन पे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे अगर आपने एक साल का डिप्लोमा किया अलग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, दो साल का डिप्लोमा आपने किया होगा उसमें अलग पॉइंट्स, अगर आपने तीन साल का डिप्लोमा या यू नो डिग्री विग्री कुछ करी हुई है उसके आपको अलग पॉइंट्स मिलते, तो वो तो है। तो डेफिनेटली अगर ये है कि इंडिया से अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या कुछ करी हुई है तो थोड़ा सा ग्रेजुएशन की है और साथ में कोई जॉब भी किया, एक साल का एक्सपीरियंस भी ले लिया है, तो वो एक और डबल बेनिफिट हो जाता है। पर कई लोग गलती क्या करते हैं कि लाइक 12th के बाद सीधा ना एक साल का प्रोग्राम ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक साल के प्रोग्राम के बाद सिर्फ एक साल का वर्क परमिट मिलता है। अच्छा, एंड फिर इन बंदे के PR पॉइंट्स में होते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उसको अगर कनाडा में रहना है तो उसको रिलोकेट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल विनिपेग जाना पड़ता है, हैलिफैक्स जाना पड़ता है, हाँ छोटे छोटी जगह जाना पड़ता है, हो जाता है क्योंकि वो पहले इंडिया से यहाँ पे आया है फिर यहाँ से पूरा अपनी घर गृहस्थी लेके कहीं और जाएगा, काफी टफ हो जाता है। तो एटलीस्ट 2 या 3 ईयर का प्रोग्राम तो मिनिमम लेना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप 12th के बाद आ रहे हो। हाँ ठीक है, ये सही है। तो इसी के साथ अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, आपको अगली वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। हमने लंच किया साथ में, हर्षित लेने जा रहे हैं अपने लिए न्यू फ़ोन क्योंकि हर्षित ने अपना फ़ोन दे दिया मम्मी को। हम तीनों जा रहे हैं, मैं, जसकरण और कमल। कोई लेक है यहाँ पर, वहाँ पे जसकरण में लेके जा रहा है वो दोनों के फ़ोन लेने, हम तीनों जा रहे हैं लेक पे। लेक पे जाने से पहले रास्ते में जगन्नाथ मंदिर हिंदू टेम्पल यहाँ पर आ गए। तो जसकरण ले आए हमें यहाँ पे लेक पे, कौन सी लेक है आप बताना, मैं भूल गया ना। ये है प्रोफेसर्स लेक। प्रोफेसर्स लेक, हाँ जी। तो ये मैनमेड लेक है, मतलब ये नेचुरल नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने मिट्टी की जरूरत थी तो यहाँ पे पूरी खुदाई करी, आसपास के कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी चाहिए थी। ठीक है, तो मिट्टी एसेंशियली वो कर ली जो खुदाई थी, उस पर उन्होंने लेक बना दी। अच्छा, बहुत बड़ी लेक है। हाँ, ये पड़ता है अपना रामटन नॉर्थ में, पड़ता है रामटन नॉर्थ बोवेड एंड टॉर्ब्रम के पास। ठीक है, हाँ जी, इंटरसेक्शन वही कहते हैं ना इसको, बोवेड और टॉर्ब्रम। बोवेड और टॉर्ब्रम का मतलब मेजर इंटरसेक्शन है उसके पास। यहाँ पे बोटिंग वाला भी है कुछ यहाँ पे? हाँ, वहाँ पे चलती रहती है और यहाँ पे फिशेज भी है, तो लोग यहाँ पे फिशिंग करते रहते हैं आसपास। अच्छा, ये भी है, डक्स है, फिश भी दिखती है कहीं की बारी ना पानी में, लोग करते हैं तो ये कर रहे हैं फिशिंग का। तो ये भाई साहब यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं और दो फिश पकड़ चुके हैं, तीसरे की तैयारी। दोस्तों हम आगे मेन एंट्रेंस है, ये प्रोफेसर्स लेक जो मैंने बताया आपको, रिक्रिएशन सेंटर। और यहीं से जाएंगे जी यहाँ से अंदर, मतलब ये तो बीच के लिए होता है, बीच अभी बंद है तो अच्छा, बीच देख नहीं सकते, उस साइड से जा सकते हैं। हाँ जी, वहाँ से लेक देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक लेक का व्यू और ले लेते हैं, फिर उसके बाद वापस चलेंगे। हर्षित भी वेट कर रहा होगा शायद, उसका वजह फोन नहीं आया अभी, तो देखते हैं चल के ब्रॉड व्यू। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट जहाँ से पूरा लेक का व्यू अच्छे से नजर आता है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जसकरण खड़े हुए हैं, उसके साथ ये व्यू यहाँ से शुरू करते हैं, ये पूरा वो दूर तक। हम कहाँ से आए, वो जो बिल्डिंग है सामने ना, उधर से आया शायद, उस तरफ से आया। हाँ जी, तो सब मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड। कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा कर रखना ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।